नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। गिद्धौर जमुई से सदानंद कुमार की रिपोर्ट। पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। यह मानव श्रृंखला इसलिए बनाया गया कि लोग समझेगी जीवन जीने के लिए कुछ चीजें महत्वपूर्ण है। हमारे मुख्यमंत्री का कहना है दहेज नहीं लेना है और न ही देना है, शराबबंदी बाल विवाह को रोकना है। इसी के लिए बिहार में आज मानव श्रृंखला के रूप में लोगों ने अपना समर्थन दिया, लेकिन कहीं न कहीं यह मानव श्रृंखला में लोगों की भागीदारी कम दिखाई दिया। इससे साफ संकेत होता है कि लोग नहीं समझ रहे हैं कि जल जीवन हरियाली क्या होता है। लाइन में किस लिए लगा? मानव श्रृंखला सर बोला, इसीलिए हम लोग लाइन में लगा। क्या बोला सर? सर बोला कि कल गिद्धौर जाना है, मानव श्रृंखला है, सब शांति जाना है और हाथ जोड़ के शांति से। अभी आप जो लाइन में लगे हैं किस लिए लगे हैं? अभी जो लाइन में लगे हैं इनका इसका एक ही उद्देश्य है, बिहार सरकार के द्वारा जो चलाई गई योजना है जल जीवन हरियाली, और एक है बाल विवाह, एक है शराबबंदी और दूसरा है दहेज न लेना न देना। इसीलिए हम लोग मानव श्रृंखला की लाइन में लगा करके खड़ी हैं। हम तो जानते हैं कैसे बताएं। तो आखिर लाइन में खड़ा होने को क्या बोला आपको? सीएम बोला। क्या बोला? लाइन में खड़ा होने। और कुछ नहीं बताया? हमको बात बोला खड़े होने के लिए, नहीं पता है क्या चीज़ के लिए। कुछ पता ना है? नहीं, सिर्फ खड़ा हो जाना है। मानव श्रृंखला यही होता है कि मतलब नशा मुक्त बिहार, बाल विवाह बंद करना, बच्चा का रोजगार बंद करना, ज़्यादा करके बच्चे को बहुत मतलब कि टाउन गांव वगैरह में चाय दुकान में लगा दिया जाता है, नशा मुक्त बड़े मतलब कि घर का इज्जत बर्बाद हो जाता है। यही है मानव श्रृंखला, और क्या होगा। धन्यवाद। मानव श्रृंखला जीने के लिए क्या जरूरी है? जीवन जीने के लिए मतलब कि अच्छा से शांति से रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई नशा मुक्त नहीं होना चाहिए और गंदगी वगैरह फैन नहीं करना चाहिए।